चक्री गेम। एक गांव में बन्नू नाम का एक लड़का रहता था। बन्नू के पिता दीपक मजदूरी का काम करते थे। एक दिन दीपक घर आते ही बन्नू, पिताजी मैं इस बार भी क्लास में फर्स्ट रैंक लेकर आया हूँ, मुझे कम से कम इस बार मेला लेकर जाइए पिताजी, यूं कहा दीपक। हाँ वो फिर कभी जाएंगे बन्नू, अभी काम बहुत ज्यादा चल रहा है, अगर मैंने काम से छुट्टी ली तो फिर मुझे काम पर नहीं बुलाएंगे। बन्नू आप हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं पिताजी, क्लास में फर्स्ट आने पर लेकर जाओगे ये साल भर से कह रहे हो, अब मुझे मेला लेकर जाओगे, इस आज से हर बार फर्स्ट रैंक ला रहा हूँ और इस बार भी मुझे नहीं लेकर जाओगे कह रहे हो, मैं अब पढ़ाई छोड़ दूंगा, यूं कहा दीपक। वैसे मत कहो बेटा, मैं पढ़ाई नहीं कर सका इसलिए तो ऐसे मजदूरी करना पड़ रहा है, मेरे जैसे तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़े इसलिए मुश्किल से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें मेला लेकर जाना है ये मेरी भी आस है, लेकिन हमारी परिस्थिति तो देख रहे हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ बोलना पड़ रहा है, एक हफ्ता रुक जाओ तो मेरी पूरी मजदूरी का काम पूरा हो जाएगा, हफ्ते के बाद मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। एक हफ्ता बीत गया, दीपक बन्नू को मेला लेकर गया। मेले में अलग अलग चीजें और खेल सब देखकर बन्नू बहुत आश्चर्य में पड़ गया। वहां मौजूद सारे खेलों में से बन्नू को चक्री गेम बहुत पसंद आया। वहां एक बेंच पर इनाम में देने के लिए साबुन, रिबन्स, बिस्किट पैकेट, कोल्ड ड्रिंक ऐसे कई प्रकार के वस्तु रखे हुए थे। सबसे ज्यादा कीमती तो एक जगह पर 1,00,000 रुपए कैश रखा हुआ था। वो गेम आयोजन करने वाले का नाम रमेश था। रमेश, आओ भाई आओ, रिंग सिर्फ 300 रुपए, अपनी किस्मत को आजमाइए, 1,00,000 जीतिए, यूं माइक पर जोर से पुकारने लगा। एक व्यक्ति रमेश को 900 रुपए देकर 3 रिंग्स लिया। 1,00,000 का जहां कैश रखा था वहां रिंग डालने की कोशिश किया। पहला रिंग का निशाना छूट गया, दूसरा रिंग भी सही नहीं गया, तीसरा रिंग 1,00,000 के कैश पर गिरते गिरते बगल में मौजूद बिस्किट पैकेट पर गिरा। वो व्यक्ति, 900 खर्च करने पर 20 रुपए का बिस्किट पैकेट हाथ आया है, क्या करे आज मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, सोचकर वहां से बिस्किट खाते हुए चले गया। मेला सब देखकर दीपक बन्नू घर आ गए। अगले दिन दीपक घर आया, उतने में बन्नू मेले में चक्री गेम की तरह बेंच को लगाकर उस पर अलग अलग किस्म के वस्तु रखकर रिंग डालने लगा। दीपक से, पिताजी मैं ये गेम अच्छे से प्रैक्टिस करके इस बार वो 1,00,000 रुपए जरूर जीतूंगा, यूं कहा दीपक। तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से करो बस। इस तरह 1 साल बीत गया। फिर मेला शुरू हुआ, दीपक बन्नू मेले में गए। दीपक बन्नू रमेश को 900 रुपए देकर 3 रिंग्स लिए। 3 बार कैश पर रिंग डाला, 3 बार रिंग कैश पर गिरते गिरते बगल में मौजूद दूसरे वस्तु पर चले गए। दीपक बन्नू निराश होकर घर आए। बन्नू, पिताजी कल वापस मेले में जाएंगे, यूं कहा दीपक। नहीं रे, वो पैसों पर आस वगैरह छोड़ दो, तुम पढ़ाई करो बस, हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। बन्नू, मेरा निशाना नहीं छूटता डैडी, अब कोई भी वस्तु दिखाइए मैं उस पर रिंग डाल सकता हूँ, अब बताइए, यूं कहा दीपक ने जो भी वस्तु कहा बन्नू का निशाना बिना चुके उसी वस्तु पर रिंग गया। बन्नू, पिताजी वहाँ कुछ तो धोखा चल रहा है, वो क्या है मुझे जानना है, हम कल जरूर मेले में जाएंगे बस, यूं कहा। अगले दिन दोनों फिर मेले में गए, फिर 900 रुपए देकर 3 रिंग खरीदे। बन्नू, सब लोग सुनिए, मैं आंख बंद करके 1,00,000 जीतने वाला हूँ, सब देखिए। सब आश्चर्य से बन्नू के तरफ देखने लगे। बन्नू आंख बंद करके रिंग फेंका, वो सीधा जाकर 1,00,000 कैश पर जाकर गिरा। रमेश दंग रह गया, क्या हुआ उसे समझ ही नहीं आया। उसने कहा, बाकी के 2 रिंग भी डालने पर ही कैश प्राइज मिलेगा वरना नहीं। बन्नू, इस बार मैं पीछे पलट कर भी रिंग डालूंगा, कहकर पीछे पलट कर रिंग डाला।
वो रिंग फिर जाकर कैश पर गिरा। आसपास के लोग सब तालियां बजाए। बन्नू पीछे पलटकर फिर से रिंग डाला। तीसरा रिंग भी जाकर सीधा कैश पर गिरा। रमेश जोर से, इसमें कुछ धोखा है, कहकर बेंच के नीचे दिखाया। बेंच के नीचे से एक बड़ा चुंबक बाहर निकला। बन्नू, किसने धोखा किया है अभी पता चल जाएगा, कहकर रमेश के लगाए हुए सारे चुंबक सब बाहर निकाला। लोग रमेश को खूब मारे, बन्नू का शुक्रिया अदा किए, बन्नू को 1,00,000 दिए। दीपक उन पैसों से व्यापार शुरू किया। दीपक बन्नू को अच्छे से पढ़ाया।